तो अभी 32 पीपल आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक आपको, प्रीवियस जो आपका लास्ट असाइनमेंट का एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उसको नहीं करवाऊंगा। नहीं उसके सर, बाद तब तक दो तीन जाएंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तब तक 2-3 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स में क्या पढ़ेंगे, वेक्टर के प्रॉब्लम पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल के क्वेश्चन करेंगे, और कुछ यूनिट एंड डायमेंशन के भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज ओनली क्या करेंगे, क्वेश्चन डे होने वाला है। आज ओनली क्वेश्चन डे होने वाला है, ओनली ऑन क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसा कि एक बच्ची ने पूछा मुझे, लास्ट क्वेश्चन जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था, असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था, एक बात बताओ ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है? क्या मैं इसको, तो आपकी स्क्रीन ठीक स्क्रीन नहीं देख रही? ओह सॉरी सॉरी, सर, स्क्रीन स्क्रीन ओके सॉरी, स्क्रीन शो कराता हूँ मैं। अब जरा आप देखोगे कि आपको जब नॉर्थ ईस्ट, तो देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे शो करते हैं हम। देखो हमारी क्लास स्टार्ट होगी आज यहाँ से। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास ऑब्जेक्टिव है आज का हमारा कि आज हम करेंगे क्वेश्चंस वाली। तो वेक्टर, मैथमेटिकल टूल और यूनिट एंड डायमेंशन पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो असाइनमेंट का एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था। तो देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी डिसाइड कर लो आप, इधर को ईस्ट मानो, इधर को वेस्ट, इधर को नॉर्थ और इधर को साउथ। हमारा वेक्टर दे रखा है किधर, किधर है वेक्टर? असाइनमेंट के, असाइनमेंट का क्वेश्चन है हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, 3 kg/s। तो देखो जरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्या मेरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, थ्री थ्री kg/s, ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैं मान लूं कि कोई वेक्टर ए दे रखा है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो क्या ये 45 डिग्री पे एंगल होगा, होगा यस कि नहीं? सर, तो यस आप जरा याद सर, करो, याद करो कि अगर ये मान लो सिमिलरली मैं इनको XYZ मान लू, इसको एक्स एक्सिस मान लू, इसको वाई एक्सिस मान लू, और ये मेरा क्या है आपका 3 kg/s है, और ये मेरा एंगल है 45 डिग्री, तो क्या इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, आएगा यस सर, कि नहीं? यस तो सर, इसका एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या बताते थे, आई कैप बताते थे कि नहीं एक्स डायरेक्शन में, यस और सर, वाई डायरेक्शन में जे कैप होता था कि नहीं? तो क्या मैं ठीक बोल सकता हूँ इधर क्या आएगा मेरा, इधर क्या 3 cos 45 आएगा, यस सर, इधर क्या आएगा 3 sin 45। तो साइन 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 देखो इस ए वेक्टर को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 3 sin 40, सॉरी cos 45, 3 cos 45 आई कैप प्लस 3 sin 45 जी कैप, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ उसको ऐसे किसी यस और सर, में? अब यस सर, मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एक्स वाई में कन्वर्ट करके आपने आई जे के कैप, आई और आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख दिया। अब उसने क्या बोला है, एक लेमडा का मल्टीप्लाई करना है, और लेमडा कितना दे रखा है, माइनस के, कितना दे रखा है, माइनस के 4 है आई थिंक। फोर हाँ हाँ माइनस के 4। अब जरा इसमें माइनस के 4 का मल्टीप्लाई करो, माइनस के 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें पूरे में, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अब इसमें माइनस के 4 का मल्टीप्लाई करो, क्या माइनस के 12 cos 45 आई कैप होगा, और माइनस के 12 sin 45 जी कैप होगा कि नहीं होगा? यस अब यहाँ पे देखो सर, cos 45 sin 45 की वैल्यू पुट करो जरा, माइनस के 12 into क्या 1/√2 होती है इसकी वैल्यू, यस आई कैप सर, माइनस 12। हाँ बताओ बेटा, अब sin 45 वैल्यू भी 1/√2 होती है जी कैप। अच्छा एक बात बताओ, 12 को क्या मैं 6 into 2 लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 into 2 डिवाइडेड बाई √2, क्या ये क्या हो जाएगा, √2 से 2 कितने टाइम्स कट रहा है, √2 टाइम्स के, क्या 6√2 बचेगा मेरा? सर, क्या मैं यहाँ पे लिख यस
माइनस के सिक्स रूट टू आई कैप माइनस के सिक्स रूट टू जी कैप होगा कि नहीं? यहां से आप डायरेक्शन डिसाइड करो, यहां से डायरेक्शन डिसाइड करो कि आपका डायरेक्शन क्या रहा है, दोनों माइनस क्या आ रहा है, यानी कि आई कैप भी माइनस में है, आई कैप भी आपका माइनस में है और जे कैप भी माइनस में है, तो क्या आपका वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन लमसम कुछ ऐसी आएगी कि इस डायरेक्शन में होगा जो फाइनल वेक्टर होगा? Yes, होगा कि नहीं? देखो इसका एक कंपोनेंट आई वाला भी माइनस में आएगा और एक कंपोनेंट जे वाला भी माइनस में आएगा, इसका एंगल क्या होगा? 45. समझ में आई बात? Yes, यहाँ पे दोनों में माइनस है ना, देखो आई कैप भी माइनस में आना चाहिए, जे कैप भी माइनस में आना चाहिए. आई कैप में हम चले मान लो सिक्स रूट टू इधर हो गया, आई कैप में माइनस के सिक्स रूट टू इधर हो गया, सिमिलरली इधर सिक्स रूट टू हो गया, सॉरी माइनस के सिक्स रूट टू माइनस के सिक्स रूट टू एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस सिक्स रूट टू वाई एक्सिस में, तो क्या दोनों अगर माइनस माइनस के तो क्या जो हमारा वेक्टर की डायरेक्शन होगी यही आएगी, आएगी कि नहीं? Yes. अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनिशियली मैग्नीट्यूड क्या था? 3 था. इनिशियली मैग्नीट्यूड क्या था? 3 था. सिंपली मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालोगे, क्या अंडर रूट में माइनस के सिक्स रूट टू का स्क्वायर प्लस माइनस के सिक्स रूट टू का स्क्वायर करोगे, यही करोगे कि नहीं करोगे मैग्नीट्यूड के लिए? Yes, अब जरा मैग्नीट्यूड देखो, जरा सिक्स का क्या हो गया? 36 होगा कि नहीं? Yes, sir. 36 into 2 होगा? Yes, sir. Under root 2 का square 2 ही हो जाएगा ना, प्लस 36 under root 2, sorry 2, 36 into 2 होगा? अब 36 into 2 कितना हो गया? 36 into 2, 72 हो गया ना? अब हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट. आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जरा फास्ट करके बताओ, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन थोड़े फास्ट करेंगे हम तभी क्वेश्चन कर पाएंगे सारे, ठीक है? इजी क्वेश्चन थोड़े फास्ट करेंगे अपन लोग, जरा करो इस क्वेश्चन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इस क्वेश्चन का, क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है इस क्वेश्चन, करो जरा डिफरेंशिएशन. करो डिफरेंशिएशन करो, आया किसी का आंसर, आया क्या किसी का? सर कर रहे हैं, करो, इतना टफ नहीं है वैसे. ये सर 5 माइनस साइन एक्स, 5 माइनस के साइन एक्स, इसका आया है, इसका आंसर है. विजय कुमार, नाम क्या बेटा आपका? रश्मि राय. अच्छा हिम्मत, अच्छा हिम्मत आपका, हिम्मत, हिम्मत ने भी हैंड रेस किया था, क्या क्या आंसर आया था? 5 माइनस साइन एक्स, 5 माइनस के साइन एक्स, ओके. शशि सर 5 माइनस साइन एक्स, ओके. सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सबसे पहले 5 स्क्वायर साइन एक्स, जो विजय कुमार है, विजय का कुमार, रश्मि, रश्मि नाम है ना बेटा आपका? यस सर. सबसे पहले रश्मि के लिए क्लैप करो, सबसे पहले आंसर रश्मि ने दिया था और वो भी करेक्ट, क्लैप करो सब लोग रश्मि के लिए. वेल डन रश्मि, वेल डन, क्लैप फॉर यू, आई एम आल्सो क्लैपिंग फॉर यू, वेल डन. Thank you, sir. Okay. अब हम अभी मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या इसका, इस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy upon dx, x के रेस्पेक्ट में करना है, dy upon dx.
5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x का डिफरेंशिएशन x की पावर 1 है ना, तो 5 इनटू x की पावर 1 है, 1 ऊपर आगे आ गया, x की पावर 1 माइनस के 1 होगा कि नहीं होगा भाई? डिफरेंशिएशन में x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d अपॉन dx, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता, n x की पावर n माइनस में से एक माइनस होती थी, तो पावर आगे आ गई उसमें से एक माइनस कर दी, cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस के sin x। तो आप जरा इसको देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 5x की पावर 0 माइनस के साइन एक्स। तो देखो किसी की पावर अगर 0 है ना तो उसको वैल्यू होती है 1, तो आप 5 इंटू 1 माइनस के साइन एक्स, तो आपका आंसर आ गया 5 माइनस के साइन एक्स, जो कि सबसे पहले आंसर दिया था रश्मि ने। क्लियर है? यस सर। डिफरेंशिएशन करो जरा, इसका भी डिफरेंशिएशन करो जल्दी फास्ट, थोड़ा इजी क्वेश्चन बेटा, इनको थोड़ा फास्ट करो, इनको थोड़ा अपन लोग फास्ट करेंगे। करो, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। अभी 14 हो रहा है, 6:14 हो रहा है, 6:15 पे पूछ लूंगा मैं। cos x minus के sin x, संतोष शर्मा हम बताओ आप, cos x minus sin x, ओके, हर्षिता, minus sin square plus cos square x, minus sin square x, हर्षिता का आंसर आया क्या? यस सर। ओके, और किसी का आंसर आया कुछ? अभिनव, cos x minus sin x, cos x minus, ज्यादातर आंसर cos x minus के साथ, शिवांगी, शिवांशी सॉरी, शिवांशी सर, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है क्या? यस सर। पहले क्लैप करो हर्षिता के लिए, सबसे पहले आंसर हर्षिता ने दिया है, करेक्ट आंसर सबसे पहले हर्षिता ने दिया है, वेल डन हर्षिता, वेल डन, थैंक यू सर। और भी एक बच्ची का भी अभी आंसर जो दिया है उसका भी सही है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। देखो इसमें आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला था कि मान लो d अपॉन डी एक्स, एक कोई फंक्शन 1 है और एक कोई फंक्शन 2 है, मान लो कोई ये फंक्शन 1 है 2 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को ऐसे ही रखो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड को ऐसे ही रखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही बताया था फॉर्मूला, याद है? F, उसमें एफ एक्स जी एक्स ले लेते थे, तो इसमें मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा dy अपॉन dx लेफ्ट साइड में, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अरे फर्स्ट को ऐसे ही रख लो, फर्स्ट को ऐसे ही रखो, हाँ फर्स्ट को ऐसे रखा d अपॉन dx cos x प्लस सेकंड को ऐसे रखो cos x इनटू d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही किया है मैंने सब कुछ, ये फॉर्मूला था आपका। अब देखो जरा, तो हाँ देखो साइन एक्स आपका ये रहा इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका यहाँ पे है कॉस एक्स इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप देखोगे माइनस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप देखोगे आपका आंसर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। आपको अगर याद हो ना थोड़ा सा और, तो ये फॉर्मूला होता था कॉस टू एक्स का, आप ये भी बोल सकते हो, ये भी आंसर करेक्ट है आपका, ये भी आंसर दोनों ही करेक्ट, ये काफी लोगों का आंसर आ गया था, cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 सॉरी cos स्क्वायर के टर्म में देखें अगर cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, ये cos x cos 2x का फॉर्मूला है, तो ये उसकी जगह मैंने cos 2x लिख दिया। क्लियर है सबको कैसे किया है ये? यस सर, यस सर। एक तो बोलते हैं जिनका गलत हुआ है उन सबको अपना मिस्टेक समझ में आया कहां पर मिस्टेक किया था? यस सर।
सुधारना पड़ेगा हमें, ये मिस्टेक सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स की वजह से अगर आप क्वेश्चन गलत करके आए एग्जाम में तो बहुत गड़बड़ हो। ये क्वेश्चन करो जरा, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, करो फास्ट। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 3 मिनट्स, 3 मिनट देने नहीं चाहिए बट दे रहा हूं, चलो कोई नहीं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई बात नहीं, 3 मिनट दिए आपने। क्वेश्चन समझाता हूं मैं, टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, जीरो नहीं है, उनका एडिशन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में मैं एंगल बता कर रहा हूं, एंगल क्या होगा दोनों के बीच। हिंट दे दूं आपको थोड़ी सी, सब एडिशन वाले की साइड पे एडिशन वाले का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला रख दो और सब्ट्रैक्शन वाले की सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला रख दो, फिर सॉल्व करो आंसर आ जाएगा आपका, करो। हमने क्वेश्चन किया था जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के फॉर्मूले यूज हुए थे, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, याद करो फॉर्मूला, रिवाइज करके तो आए नहीं होगे आप लोग, है ना। देखो सब लोग सो गए ऐसा लग रहा है कि वरुण कुमार ने उन्हें थम्स अप किया है, वेल डन वरुण। बाकी लोग पता नहीं, 39 पीपल हैं अभी, 37 है। टू रूट टू आया वरुण का, ओके वरुण थोड़ा वेट करते हैं अभी बाकी लोगों का भी। सर अंडर रूट टू क्या, एंगल पूछा बेटा, एंगल तो थीटा की कुछ वैल्यू आएगी, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, या पाई बाई टू, पाई बाई फोर, पाई बाई सेवन, पाई बाई एट, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, रेडियन में बता दो चाहे डिग्री में बता दो, किसी में किशोर 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री, किशोर का 90 डिग्री आया है सर, 90 डिग्री, अक्षरा का भी 90 डिग्री आया है, काजल का सर, भी 90 डिग्री आया है, ओके। सबसे पहले क्लैप करो किशोर के लिए, किशोर के लिए क्लैप करो सब लोग, वेल डन किशोर, आपने सबसे पहले आंसर किया, वो भी करेक्टली, वो भी करेक्टली, और अब तो काफी लोगों का आ गया है आंसर वैसे 90 डिग्री, जिनका 90 डिग्री खुद की मेहनत से है ना, विदाउट चीटिंग के, वो वेल एंड गुड, मैं उन सब के लिए क्लैप करना चाहता हूँ कि उन सब का आंसर अगर 90 डिग्री आया है मतलब आपने अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छे वेक्टर का क्वेश्चन आपको नीट में अगर आएगा तो आप उसको उड़ा दोगे, ये गारंटेड है। देखो ये क्या बोल रहा है कि टू नॉन जीरो वेक्टर है, भाई वेक्टर जीरो नहीं है, क्योंकि अगर हम जीरो मान लें तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो माइनस जीरो होगा कि नहीं होगा, इसीलिए पहले ही बोल दिया है उसने कि टू नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है, अब उनको ऐड कर रहे हैं तब भी मैग्नीट्यूड वही आ रहा है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी मैग्नीट्यूड वही आ रहा है, तो उन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। तो देखो हमें पता है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करना है, सिमिलरली ए माइनस बी ये हमें गिविन है, तो क्या आपको याद है आर वाला फॉर्मूला, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला आपको याद है क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू थीटा। अब यहाँ पे ए बी है तो क्या हम पी क्यू किए, ए बी पुट कर दो, क्या करोगे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो माइनस वाले फॉर्मूले ओनली माइनस आता है बस, टू ए बी कॉस, अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड में स्क्वायर करोगे तो इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस, दोनों का रूट हट जाएगा ना दोनों के ऊपर से, होगा कि नहीं यस सर,
cos theta equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. क्या ए बी ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? यस सर. अब आप देखो इसको इसको जब हम इधर लेके आएंगे, इस माइनस से टू ए बी कॉस थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, फोर ए बी कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको इधर ले आया तो इधर जीरो बचा, बचा कि नहीं? अरे बचेगा ना. और देखो इसको इस जो फोर ए बी कॉस थीटा को जीरो के नीचे भेजेंगे तो क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा. अब मान लो cos थीटा इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई फोर ए बी तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा? जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करते जीरो ही आता है. तो आप यहां से देखोगे cos थीटा मेरा आ गया जीरो, तो cos में जीरो वैल्यू किसकी होती है, cos 90 की. 90 cos 90 की होती है ना, तो आपका थीटा क्या आ गया, थीटा क्या आ गया 90 डिग्री. हमने क्या किया, जो गिवन कंडीशन थी उसी में फॉर्मूला अप्लाई किया और सिंपली हमारा आंसर आ गया. क्लियर है सबको? यस सर. कोई डाउट किसी को? नो सर. आगे बढ़े. ओके, मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब देखो ये एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा करो कि थोड़ा सा सोच के करो, थोड़ा सा सोच के. आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है. मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए टू मिनट देता हूँ और जो भी आंसर देगा वो अपनी एक्सप्लेनेशन भी देगा, वो अपनी विद एक्सप्लेनेशन देगा. देखो एक्सप्लेनेशन आपको देनी है चाहे भले ही गलत हो. एक बात बताओ, अगर सही हुआ, आपकी एक्सप्लेनेशन सही हुई तो आपके लिए तालियां बजेंगे, क्लैप होगा. अगर गलत हुई तो क्या कुछ उल्टा सुधर ना बोल रहा हूँ मैं भाई, कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ. अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है. तो अगर आपके दिमाग आपका आंसर हो सकता है गलत भी हो ना, तब भी आंसर देना. ऐसा नहीं करना, कह रहे यार मेरा तो गलत हो जाएगा, मैं क्यों आंसर दूं, तब बेइज्जती हो जाएगी. बेइज्जती टीचर के और डॉक्टर के सामने कभी बेइज्जती नहीं होती. इन दोनों से अगर चीजें छुपाओगे ना, छुपाओगे तो बहुत घाटे में रहोगे. जो आप डॉक्टर बनने वाले हो, अगर सोचो आपके सामने कोई पेशेंट आया और आपसे बोल रहा है कि मुझे दवाई दे दो लेकिन मैं बीमारी नहीं बताऊंगा, तो इसमें घाटा किसका, डॉक्टर का, पेशेंट का? बोलो. पेशेंट का है ना. देखो पेशेंट का क्यों, बीमारी पेशेंट की सही नहीं, डॉक्टर थोड़ी ना बीमार है. इसीलिए बीमारी बताओ अपनी, बीमारी इन द सेंस अभी आप पढ़ रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम पता चले, मुझे प्रॉब्लम पता चलेगी तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊंगा अपनी क्लासेस में, उसी हिसाब से प्रॉब्लम बताऊंगा, उसी हिसाब से सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन को. लेकिन मुझे प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए पहले आपकी. तो अपूर्वा बताओ यार आंसर कौन सा ऑप्शन है. बी प्लस ई इक्वल टू एफ. बताओ यार अपूर्वा, अपूर्वा कैसे लगा आपको? अपूर्वा सर इन सबको प्लेन में रखें तो एफ जो है वो डी और ई के बीच में आ रहा है, ई एक्स एक्सिस में आ रहा है और डी वाई एक्सिस में, और रिजल्टेंट जो है वो एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस में करेंगे तो ई प्लस डी आएगा. नहीं, आपने सबको सबको रखना है एक साथ, ऑप्शन वाइज ट्राई किया है आपने? सर मैंने सबको साथ में. ठीक है ओके. और संतोष शर्मा आप बताओ. वेल ट्राई करो. वेल हां बोल बोलो संतोष, आप बोलो. सर थ्री ऑप्शन सी है, थ्री ऑप्शन करेक्ट है आपका. कैसे बेटा बताओगे एक बार? सर ट्रायंगल लॉ लगा इसमें. ट्रायंगल लॉ कैसे सर? दो सर जो रिजल्टेंट होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो वैसे बात आपकी भी ठीक है अपूर्वा, आपने भी सही मेथड अप्लाई किया, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे आप. ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हम ऑप्शंस के साथ में खेलेंगे. हम क्या करेंगे, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे. अरे चार ऑप्शन दिए, इन्हीं चारों में से सही होगा ना कोई, है कि नहीं? तो पांचवा ऑप्शन आ जाए तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ऑप्शंस के साथ में खेलेंगे. चलो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, बी प्लस ई. बी वेक्टर किधर है? बी वेक्टर है आपका नीचे की तरफ. मान लो बी वेक्टर आपका हो गया इधर, बी वेक्टर इधर है. सी वेक्टर किधर है? सी वेक्टर इधर है. और मेरा एफ वेक्टर किधर है? एफ वेक्टर इधर है. क्या ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है?
हो सकता है क्या, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्टेंट किधर होना चाहिए, रिजल्टेंट इन दोनों किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, रिजल्टेंट इधर होना चाहिए था, ये रिजल्टेंट होना चाहिए था इन दोनों का, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल भाई, दो वेक्टर को जोड़ने पे, या फिर जैसे किसने बताया था ट्रायंगल लॉ, किसने बताया था, एक बच्ची ने बताया था, संतोष, संतोष शर्मा ने बताया था ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ भी अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल लॉ से ही बताऊंगा मैं। चलो देखो सेकंड ऑप्शन जरा ट्राई करो, सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, बी प्लस सी, बी वेक्टर को देखो कहाँ है, बी वेक्टर आपका नीचे की तरफ है, बी वेक्टर ये हो गया आपका बी वेक्टर, सी वेक्टर किधर है, सी वेक्टर इधर है, बी प्लस सी नहीं बी, हाँ बी प्लस सी भी यही है, एफ है ना इसमें, बी प्लस ई है, ई आपका इधर था, इस वाले में ई था ना, सी नहीं था, मैंने सी ले लिया उसको, ई इधर है, तब भी तो रिजल्टेंट इधर नहीं होगा, रिजल्टेंट आपका इधर होता, होता कि नहीं? Yes, sir. इन दोनों के बीच में इधर कहीं होना चाहिए था, और इस ये क्या है, सी वेक्टर है, तो क्या मेरा रिजल्टेंट कहीं इधर होना चाहिए इसका, लेकिन yes. इसने क्या बोला है, एफ वेक्टर इसका रिजल्टेंट होगा, इसने बोला है कि भाई आपका रिजल्टेंट इधर होगा, क्या ये गलत है, गलत है कि नहीं? सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली क्या होगा आपका थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन क्या बोला है, डी प्लस सी, डी क्या है मेरा, डी ऊपर की तरफ है मेरा, डी ऊपर की तरफ है, डी वेक्टर, सी वेक्टर किधर है, सी वेक्टर मेरा इधर है, सी वेक्टर ये मेरा, और इसने बोला है रिजल्टेंट मेरा इधर होगा, रिजल्टेंट मेरा ये बोला है रिजल्टेंट आपका इधर होगा, इधर हो सकता है क्या रिजल्टेंट इसका, भाई रिजल्टेंट दोनों के बीच में कहीं इधर होगा ना रिजल्टेंट, इसीलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब फोर्थ देखो यार, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि डी प्लस ई, देखो डी किधर है, डी है आपका ऊपर की तरफ, डी है आपका ऊपर की तरफ, ये आपका डी वेक्टर हो गया, ई किधर है आपका, ई, ई आपका है डी ऊपर है, ई आपका इधर है ना, ई इधर ही है ना, और रिजल्टेंट एफ वेक्टर किधर है, एफ आपका इधर है, क्या ये जो एफ वेक्टर है वो रिजल्टेंट बता रहा है? एग्जैक्टली भाई, ई प्लस डी का रिजल्टेंट आपका इधर ही होगा, इसलिए क्या ये करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है। और अच्छा ट्रायंगल लॉ से भी आप देखोगे ना, ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ से भी देख लो उसको, डी फोर्थ ऑप्शन को ही देखते हैं हम, डायरेक्टली करेक्ट आंसर ही देखते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम ले जाएगा ये। अब देखो डी, डी किधर है, डी आपका, डी किधर है, ऊपर है, डी आपका ऊपर है कि नहीं है, ये आपका डी वेक्टर हो गया, और आपका क्या चाहिए, डी ई वेक्टर और चाहिए, ई वेक्टर किधर है, इधर आपका ई वेक्टर इधर है, ई वेक्टर किधर है, हाँ डी इधर है और ई इधर है, तो क्या इसको देखो, ये आपका जो वेक्टर था, इसमें बेटा ट्रायंगल लॉ अप्लाई नहीं होगा, देखो ट्रायंगल लॉ नहीं हो रहा है अप्लाई, हो रहा है क्या, एफ वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये आ रही है, हमारे एफ वेक्टर की ये डायरेक्शन है, इसलिए ट्रायंगल लॉ अप्लाई नहीं होगा, जो आप अप्लाई कर रहे थे ना ट्रायंगल लॉ, वो अप्लाई नहीं होगा, हमने ट्राई करके देखा लेकिन नहीं हुआ, तो अभी आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, वही कंसेप्ट जो मैंने बताया है, विद ऑप्शन, हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल, इसमें इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेथड हो, क्योंकि कल को आपको क्वेश्चन दे दे एफ की डायरेक्ट कुछ ऐसे करके वेक्टर दे दे, ऐसे भी तो दे सकता है, AIPMT में क्वेश्चन आया हुआ है ये 2010 में, तो इसका हिट एंड ट्रायल मेथड ही सबसे बेस्ट है। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है ट्रायल का मेथड होता है कि भाई आपको ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन पर अटैक करना है, न कि क्वेश्चन को ज्यादा सोच के, अगर आप वैसे सोचोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अगर क्वेश्चन के थ्रू सोचोगे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट निकालोगे, क्लियर है, कैसे निकाला है हमने ऑप्शन डी, अब एक और क्वेश्चन है, एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, एम्स का आया हुआ क्वेश्चन,
आपको याद है मल्टीप्लिकेशन मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करना बताया था आपको? सो ऑप्शन 4 कौन सा? ऑप्शन 4 आया। ओके, और किसी का आया आंसर? ये ऑप्शन 4 काजल आपका आया था ना? यस सर। ओके, और किसी का? अक्षरा सर, ऑप्शन 4 ही है। संतोष शर्मा सर, ऑप्शन 4। ओके, ये अनुष्या का आया है ऑप्शन 4, अपूर्वा का भी ऑप्शन 4, सबका ऑप्शन 4 आ रहा है। तो सबसे पहले आंसर किसने दिया? सबसे पहले आई थिंक किसने दिया था आंसर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। काजल। ओके, काजल, काजल के लिए तालियां बजाओ सब लोग, काजल के लिए। क्लैप फॉर काजल, क्लैप फॉर काजल, वेल डन काजल, वेल डन, बहुत अच्छा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा फास्ट। हमने आपको याद हो तो देखो टाओ इक्वल टू क्या है, आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो हमें अगर टाओ निकालना है तो क्या मैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करना है मुझे। अब देखो आपको याद है क्रॉस वेक्टर कैसे करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते थे, याद है? हम क्या करते थे, हमें चाहिए अगर टाओ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मैट्रिक्स बनाऊंगा, यहाँ पे आई कैप लिखूंगा, यहाँ पे जी कैप लिखूंगा, इधर के कैप लिखूंगा, ऐसे ही करते थे। अब आई वाले के साथ में, आई वाले के साथ में क्या करो, आर वाला रख दो, आर आर वेक्टर ना, पहले आर को रख दो 7 3 1, और इसके साथ में क्या एफ क्या है, एफ माइनस के 3 1 5, ऐसे रख लिया था सबने। अच्छा, जिनका आंसर आ गया है, जिनका आंसर आ गया है वो लोग साथ साथ सॉल्व बताएंगे मुझे कि मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? क्लास में एंगेजमेंट बना के रखना है, ठीक है? अब मैं आई कैप लिख रहा हूँ, आई कैप में क्या लिखूंगा, आई कैप अगर ले रहा हूँ तो क्या मैं इस लाइन को छुपा दूंगा, इस वाली लाइन को, और इस लाइन को छुपा दूंगा, छुपाऊंगा कि नहीं? यस सर। ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस के ये, क्या मैं बोलूंगा 3 × 5 15 माइनस के 1 होगा, होगा कि नहीं? आई कैप 15 माइनस के 1 होगा, माइनस जी कैप, जी कैप क्या होगा, जी कैप क्या होगा, जी कैप 1 × 2। जी कैप के लिए, जी कैप के लिए क्या करोगे, इस लाइन को छिपाओगे और इस बीच वाली लाइन को छिपाओगे, क्या होगा 7 × 5 जी कैप पे छिपाओगे। देखो जब आप जे कैप पे आओगे, जब 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 आप जे कैप पे आओगे तो क्या करोगे, इस वाली लाइन को छिपा दो, इस वाली लाइन को, और इस वाली लाइन को छिपा दो, अब क्या करोगे ये मल्टीप्लाई बाई ये, आप बोलोगे 7 × 5 कितना होगा, 35 होगा, 35 माइनस माइनस यहाँ पे माइनस है तो क्या माइनस के 3 होगा ये, प्लस प्लस प्लस, अब हम आते की कैप है, अब हम आते की कैप है सर, 7 और 7 इसको इसको छिपाएंगे की कैप के लिए और इसको छिपाएंगे। अब देखो 7 माइनस के 9 माइनस माइनस के 9 माइनस माइनस के 9 होगा कि नहीं, ये यस सर। अब आप देखो इसको इसको सॉल्व कर दो, 15 माइनस के 1 क्या 14 आई कैप आएगा, अब यहाँ देखो 35 + 3 कितना आएगा, किसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है, माइक जब आप बोला करो तभी माइक ऑन किया करो, अदरवाइज माइक ऑफ कर लिया करो, ठीक है? 35 प्लस के देखो ये माइनस है क्या, प्लस हो जाएगा, Yes, sir. 35 plus 3 क्या 38 होगा, ये देखो ये माइनस पहले से ही था तो क्या आएगा 38 जे कैप आएगा आपका, आ गया प्लस, यहाँ पे देखो 7 माइनस माइनस के 9 तो क्या ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 कितना, 16 के कैप। फिर आप सब लोग, मैंने सोचा सबका ऑप्शन डी 4 आ रहा है तो ऑप्शन 4 ही सही होगा, लेकिन ये तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आ रहा है भाई, कैसे किया था फिर आपने, क्या गलती की थी आप लोगों ने? सर मैंने आई से आई को मल्टीप्लाई किया था। ओह
अच्छा इसीलिए सब लोगों का ट्वेंटी माइनस, मैं सोच रहा था कि सबका ऑप्शन सही फोर आ रहा है तो ऑप्शन फोर ही करेक्ट होगा, जब सॉल्व किया तो ऑप्शन वन करेक्ट आ रहा है। सर, आई से आई और जे से जे और के से के कर दिया था। नहीं 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 ऐसे नहीं करना होता, कल बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में। हाँ यस सर। तो ऐसे करना होता जो मैंने अभी बताया है। ठीक है अब ये क्वेश्चन और करो, AIPMP 2007 में आया हुआ है क्वेश्चन, AIPMP 2007 में आया, ए क्रॉस बी दे रखा है अंडर रूट थ्री ऑफ ए डॉट बी, द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, इसके लिए मैं दूंगा आपको 3 मिनट। करो जरा इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप 5 मिनट ले लीजिए। चलो 5 मिनट में भी तो 5 मिनट में तो हो जाएगा, वैसे 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, वैसे तो 3 मिनट में ही हो जाना चाहिए, बट फिर भी दे देते हैं आपको। चलो आप भी क्या याद करोगे कि इसने टाइम दिया था हमें, है कि नहीं? यस अच्छा हम काफी टाइम से केवीडी नहीं खेल रहे ना। अच्छा आपके साथ तो कभी खेले ही नहीं, 11th में नहीं खेले, 12th में खेलते थे। सॉरी स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइम हो गया, नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट से, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में, M1D या फिर बोले रेक्टिलिनियर मोशन या फिर बोले मोशन इन 1D, ये चैप्टर स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट क्लास में। तो जिन जिन्होंने स्कूल में पढ़ा है वो लोग पढ़ के आए, थोड़ा सा रिवाइज करके आए, और ये जो वेक्टर चैप्टर है ना इसको दिमाग में हमेशा रखना है, इसको बाहर नहीं निकलने देना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हवा लग रही है कुछ, क्या करना है इसमें? हिंट दूं आपको मैं, हिंट सर अभी सॉल्व हाँ, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला रखो, ए डॉट बी का फॉर्मूला रखो, जो गिवन है उसमें, जो गिवन है उसमें ए क्रॉस बी का फॉर्मूला रखो, ए डॉट बी का फॉर्मूला रखो, उसके बाद में आपका एंगल निकलेगा, एंगल निकलेगा उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। अपूर्वा बोलो, सर। फोर्थ ए स्क्वायर प्लस बी ऑप्शन स्क्वायर प्लस फोर्थ करेक्ट है फोर्थ आपका। ओके हाँ कनिका, क्या यस। ऑप्शन है तो ए आपका? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन प्लस ए फोर बी हाफ ए बी हाफ। अच्छा आप ऑप्शन फोर है मतलब, अनुराधा यस सर। और ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर्थ हर्षिता सर। ऑप्शन फोर्थ विजय कुमार ऑप्शन फोर्थ शिवांशी सर। फोर ही है ओके आकृति, ऑप्शन फोर सर। सर ऑप्शन फोर। तो इस बार सबसे पहले आंसर दिया था अपूर्वा ने, वेल डन फॉर अपूर्वा, अपूर्वा वेल डन, वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे। ओके लेट्स डू दिस क्वेश्चन, जो आपको गिवन है उसी से ट्रैक करना है, जो आपको गिवन है, आपको गिवन है ए क्रॉस बी, अब देखो मैग्नीट्यूड में बात कर रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड में, इक्वल टू अंडर रूट थ्री ऑफ ए डॉट बी बोला एबी है इसने भाई, ये तो इसने दिया है ना, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता था बताओ जरा मुझे। एबी ए सर क्रॉस, देखो आपको हिंट दे दूं मैं, जब क्रॉस होता है ना, क्रॉस इसमें क्या आता है, सी आता है कि नहीं आता है? क्रॉस में, क्रॉस जब आप क्रॉस लिखते हो उसमें सी आता है ना, यस तो सर फॉर्मूले में सी नहीं आएगा, पहले सी आ गया तो फॉर्मूले में सी नहीं आएगा, सी मतलब कॉस, मतलब अगर आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसमें क्या आएगा, साइन आएगा, ए बी साइन थीटा, साइन थीटा समझ में आ रहा है? क्योंकि
डॉट में और क्रॉस में सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा का डिफरेंस होता है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आज से याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट में कॉस नहीं आता है, और तो कॉस नहीं आता तो क्या आएगा, साइन आएगा, डॉट प्रोडक्ट में साइन आता है। समझ में आएगा? यस सर। ये हिंट है यार, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, हिंट है ये बस। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखो, क्या आएगा, क्या ए बी साइन थीटा आएगा, आएगा कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पर अंडर रूट थ्री पहले से है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा होता है कि cos थीटा, यस सर। यहाँ जैसे देखोगे ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इस कॉस थीटा को इधर ले आओ, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट थ्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना ये अंडर रूट थ्री तो पहले से दे रखा है, अंडर रूट थ्री बचा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या टेन थीटा हो जाएगा, यस सर। Yes. अब देखो टेन अंडर रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, टेन में किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट थ्री टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, तो आपका थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। बस अब आपका काम हो गया, अब आपका काम हो गया कि आपको चाहिए वैल्यू किसकी, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, अब आपको ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो आपको ए प्लस बी का मैग्नेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट में क्या फॉर्मूला था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला था। अब जरा देखो, अब जरा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू, कॉस सिक्सटी के पे क्या लिख दो, वन बाई टू, तो देखो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, देखो जो अंडर रूट होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर क्या, हाँ। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ करेक्ट। भाई सात आठ बच्चे या दस बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग, अरे आप लोगों से, आप लोगों का आंसर अगर गलत आ रहा है ना तो वो भी आंसर करो, गलत में क्या दिक्कत हो रही है, मैं आपको डांट तो रहा नहीं हूँ कि आपका बेटा गलत आंसर क्यों आया, बिल्कुल भी नहीं डांट रहा ना, गलत आता है वेल एंड गुड, आपका अगर गलत आता है तो भी कोई बात नहीं है, आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, कम से कम गलत तो ला रहे हो, और जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनका तो कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता, जो कोशिश करेगा उसी का इम्प्रूवमेंट होता है बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ओके ये क्वेश्चन करो, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी करो क्वेश्चन, जरा अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके करने के लिए, अभी तो कई सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई, 45 मिनट हो चुकी है हमारी, फास्ट करो इस क्वेश्चन को फास्ट, फोर्स दे रखा है, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेस इट बाय S equal to इतने मीटर, वर्क डन निकालना है, वर्क डन सर ऑप्शन 25, किसी का 24 आ रहा है, किसी का 25 आ रहा है, जरा देखते हैं क्या आता है, ओके चलो सर 25। अब देखो जरा वर्क डन का उसने फार्मूला दे दिया, फार्मूला दे दिया मतलब सिंपल बोल दिया आपसे, डॉट प्रोडक्ट करना है, वर्क डन इक्वल टू है आपका F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब F वेक्टर क्या है हमारा, कितना दे रखा है देखो, 3i plus k4j, ये F वेक्टर दे रखा है, कैप ले लो, डॉट S वेक्टर क्या है आपका, 3i plus 4j, अच्छा S वेक्टर भी वही दे रखा है, सेम टू सेम दे रखा है दोनों, देखो फोर्स भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, अच्छा इन दोनों का मल्टी, आपको याद हो डॉट प्रोडक्ट इन स्केलर फॉर्म लास्ट मंडे वाली क्लास में करवाया था मैंने, मंडे वाली में क्यों, कल क्या था, आज क्या वेडनेसडे है ना, हाँ मंडे वाली में करवाया होगा, मंडे वाली में करवाया होगा, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में इन स्केलर फॉर्म बताया था, तो वो आई वाले के साथ आई वाले का मल्टीप्लाई होता है, जैसा आपने क्रॉस में कर दिया था ना, वो एक्चुअली में डॉट में होता है, आपने क्रॉस में कर दिया था, इसीलिए आपका ऑप्शन फोर करेक्ट आ गया था, याद है इससे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, यस सर, गलती किए थे ना, क्रॉस प्रोडक्ट करना था, आप डॉट प्रोडक्ट कर दिए थे, क्रॉस प्रोडक्ट आपका कंपोनेंट फॉर्म में नहीं होता, मैट्रिक्स बना के होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है आई टू आई,
आई वाले के साथ आई वाले का मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 3 क्या 9 हो जाएगा, प्लस 4 × 4 क्या होगा, 4 × 4 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, जी हो गया कि नहीं हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर है सबको कैसे आया ये? ये क्वेश्चन करो, जरा ये क्वेश्चन करो, इसके लिए आपको 2 मिनट मिलती है, जरा करो इस क्वेश्चन को। इसके लिए आपको 2 मिनट मिलती है। इफ अ वेक्टर 2i + 3j + 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j - k 4i + k alpha k, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू पूछिए निकालने के लिए। 2 मिनट है आपके पास, फास्ट करो जरा। देखो ये बच्चों एक बात बताऊं, मैं क्लास हमेशा टाइम से शुरू कर देता हूं, इसीलिए आप टाइम से आएगा। कितना आंसर आ रहा है? -1/2 -1/2 ओके, ऑप्शन 3 आ रहा है आपका, पुनीत का ऑप्शन 3 आया है सर, ऑप्शन सी -1/2 ओके, यस वेट करते हैं, बाकी लोगों का भी वेट करते हैं जरा। सर ऑप्शन 3 2 सर, ऑप्शन 2 1 बेटा अल्फा की वैल्यू पूछिए, 1/2 आ रही है आपकी, ठीक है चलो। सबका -1/2 आ रहा है कि किसी का अलग भी आ रहा है? पुनीत का सबसे पहले टू आ रहा है, किसी का 2 भी आया है, ओके 2 तो ऑप्शन ही नहीं है। पुनीत का आंसर आया था सबसे पहले, है ना, मतलब 1/2 अच्छा 1/2, वेल डन पुनीत, पुनीत के लिए तालियां बजाओ सब लोग, पुनीत के लिए वेल डन पुनीत, वेल डन, ओके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो गिवन क्या क्या है, हमें एक वेक्टर दे रखा है, मान लेते हैं इसको ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर दे रखा है आपको, 2i + 3j + 8k, ये आपको वेक्टर दे रखा है। मान लो बी वेक्टर कोई दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 4j - 4i + k alpha k। अच्छा एक बताओ, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका कौन सा प्रोडक्ट जीरो होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा या क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस में क्या हो रहा है, क्रॉस में क्या होता है, कॉस आ, कॉस नहीं आता, साइन आता है, साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बोलो, 1 होती है बेटा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो क्रॉस तो आपका जीरो हो ही नहीं सकता, आपका क्या होगा, डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट क्यों जीरो होगा, उसमें कॉस कॉस 90 आएगा, कॉस 90 आएगा तो कॉस 90 की जीरो होगी, तो मैं बोलूंगा ए डॉट बी क्या होना चाहिए मेरा इन दोनों का, अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, अगर ये परपेंडिकुलर, आपको याद है प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी मैंने डॉट प्रोडक्ट की, वहां पे बताया था ना कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे वैसे लिख दो उसको एक, चलो वैसे स्केलर फॉर्म में करते हैं, 2i + k 3j + k 8k, ठीक है, डॉट 4j - 4i + k alpha k इक्वल टू जीरो। अब जरा i का i के, j का j के साथ, k का k वाले के साथ मल्टीप्लाई करो जरा, 2 × 4 क्या आएगा, 8 आएगा कि नहीं, -3 × -k 4 कितना आएगा, 3 × -k 4 12 आएगा माइनस का, माइनस 12 के वाले का के साथ करो, 8 × α क्या 8α आएगा प्लस का, इक्वल टू जीरो। तो आप देखोगे माइनस के 12 है, इसमें से 8 गया तो क्या बचा, माइनस फोर बचेगा बेटा, माइनस फोर, माइनस के 4 + 8α
इक्वल टू जीरो, तो एट अल्फा इक्वल टू क्या प्लस के फोर बचेगा, होगा कि नहीं प्लस के फोर? तो क्या अल्फा इक्वल टू फोर वाई एट, यानी कि क्या प्लस के वन वाई टू बचेगा आंसर? तो आंसर आएगा प्लस के वन वाई टू, न कि माइनस के वन वाई टू सर, जैसे पुनीत ने जो आंसर दिया था माइनस के वन वाई टू दिया था, और मैंने सोचा सबका आंसर माइनस के वन वाई टू दे रहा, क्योंकि मैं तो सॉल्व करूंगा तब ना मुझे आंसर पता चलेगा, मैंने सॉल्व तो किया नहीं था पहले, मैंने क्वेश्चन देखा AIPMT में आया है, मैं डाल देता हूँ सबका ऑप्शन वन ऑप्शन थ्री आया, तो मुझे लगा ऑप्शन थ्री सही होगा, लेकिन सब लोग गलत थे सर, हमारा आया था ऑप्शन टू, अच्छा कुछ बच्चों का ऑप्शन टू भी आया था, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, जिन लोगों का टू आया था बहुत अच्छे। तो आप जब देखोगे यहां से इसने माइनस टू कैसे निकाला है, सर आई का आई के साथ सर माइनस एट आना था शायद, क्या सर आई का डॉट प्रोडक्ट किया है ना, आई का आई के साथ करेंगे माइनस कैसे आएगा सर, माइनस सर आई आगे दिया है सर, माइनस के फोर है आई और माइनस के फोर आई, माइनस फोर आई नहीं है ना, प्लस के फोर है, फोर है ना, नहीं सॉरी 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 सॉरी, यस 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 यस, हम मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर जे है, ये जे है बेटा, जे है ये, फोर जे माइनस के फोर आई है, ये हमने गलत ले लिया है, फोर जे है ये फोर जे है, हमने गलत यहाँ से गलती की है, हमने यहाँ से हमने वेक्टर को गलत लिख लिया था नीचे, एक्चुअली में है क्या माइनस के फोर आई प्लस के फोर जे प्लस के अल्फा के है, ये है, यही मिस्टेक किया ना हमने, हमने क्या किया था इसको यहाँ से हमने इसको नीचे उतारने में मतलब लिखने में गलती कर दी, टाइपो एरर हो गया, तो आप यहाँ से करेक्शन कर दो, यहाँ पे क्या माइनस के फोर आई लिख दो, माइनस के फोर आई और प्लस के फोर जे, अब करो टू इंटू ये माइनस के एट आएगा, माइनस के एट आएगा ना माइनस वन ओवर टू ही आएगा, बिल्कुल माइनस वन, ये प्लस का आ जाएगा तो ये प्लस का आएगा, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के वन ओवर, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, माइनस के वन, वो एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो वो था ना वेक्टर, वो मैंने डायरेक्टली मतलब ध्यान से नहीं देखा, फोर जे कैप माइनस के फोर आई कैप प्लस के अल्फा के था, वो एक्चुअली में हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे कि फोर आई कैप, ये प्लस का आई कैप समझे, इसलिए हमारा आंसर गलत आया था, ठीक है, क्लियर है सबको, जिनका माइनस वन आया था, माइनस के वन बाई टू आया था, उन्हीं का आंसर करेक्ट है, जो पुनीत ने सबसे पहले निकाला था, वो हमसे टाइपो एरर हुआ इसलिए हमारा आंसर गलत आया था, ठीक है, कोई नहीं, दो-तीन मिस्टेक, कोई नहीं, अब इसकी डायमेंशन बताओ जरा, स्ट्रेस की डायमेंशन बतानी है आपको, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा सर, वैसे एग्जाम की वजह से बहुत अभी आपको इतना ही समझो कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट क्या होती है बोलो, एम एल टी माइनस के टू, MLT माइनस के टू, एरिया की क्या होती है, L2 एरिया की L2 होती है, तो जब L2 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बचेगा, ML माइनस 1 T माइनस के टू, जैसा कि किसी बच्चे ने बताया था ये ऑप्शन करेक्ट है, कोई साथ याद था, ठीक है, यस, अरे सबको समझ में आया या फिर थोड़ा सा और बोल के बोलो, इस क्वेश्चन को करो, ये बहुत बार आया, देखो कितनी बार आया, 92 94 95 95 91 96 74 79 87 89 97 कितनी बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इस क्वेश्चन को करो यार, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है देख के क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन इजी है, करो इसको, बस आपको बेसिक प्रॉपर्टी, यूनिट एंड डायमेंशन की बेसिक प्रॉपर्टी, उन्हीं दो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी यूनिट या डायमेंशन सेम, अच्छा आंसर तो नीचे दिख रहा है आपको
आंसर नीचे दिख रहा है आपको, वो मैंने एनिमेशन नहीं लगा पाया उसमें। चलो ठीक है, अब तो दिख ही गया आपका आंसर, करवाता ही हूँ। ओ वैसे भी टाइम हो गया हमारा, टाइम हो गया। देखो आपको मेन पॉइंट बताता हूँ, देखो होता क्या है, हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। सर ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था आपने, याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद है ना सर? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या था, जब हम दो नंबर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसका मतलब उनकी दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अब यहाँ पर देखो डायमेंशन किसकी पूछी है, डायमेंशन ऑफ ए, ए की डायमेंशन पूछी है। तो इस वाले में देखो जरा, क्या पी प्लस वी ए अपॉन वी स्क्वायर, क्या है हमारा पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी, होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तभी ऐड, तभी हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है जरा बताओ, प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है, वही स्ट्रेस वाला, जो स्ट्रेस की डायमेंशन थी ML माइनस वन टी माइनस के टू, क्यों? क्योंकि प्रेशर भी आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब ये आपको बाद में बताऊंगा कि स्ट्रेस होता है फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होती है स्ट्रेस, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है प्रेशर। ये जब फोर्स प्रेशर स्ट्रेस वगैरह पढ़ेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में तब बताऊंगा आपको। तो अभी आपका सिर्फ डायमेंशन समझो, क्या है आपका एम एल माइनस के वन टी माइनस के टू प्रेशर की डायमेंशन होगी। अब देखो ए अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है बताओ, वॉल्यूम की डायमेंशन एल एल थ्री होती है। तो ए की डायमेंशन क्या आएगी मेरी, ए की डायमेंशन तो एल थ्री को इधर भेज दो, क्या आएगी एम एल टू टी माइनस के टू आएगी कि नहीं? Yes. यहाँ से ये थ्री है प्लस का, ये प्लस का थ्री है इधर जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का टू बचेगा ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, इसमें तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई भी। L5, L5 कैसे हो रहा है, V स्क्वायर है ना, ओ सॉरी सॉरी V स्क्वायर है, V स्क्वायर है तो ये सिक्स हो जाएगा ना पावर, ये सिक्स हो जाएगा। अरे इसको ये भी तो लिख सकते हैं A अपॉन L की पावर सिक्स, L की पावर सिक्स यही होगा ना, तो आपका क्या होगा इसकी एल पे क्या होगा सिक्स माइनस के वन पावर हो जाएगी फाइव, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एम एल फाइव टी की पावर माइनस के टू, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो, कितना टाइम है नहीं है, क्लास का हो चुका है, ये होमवर्क है आपका, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ, डोंट वरी। अच्छा आज हमने किस किस के बेस पे क्वेश्चन किए हैं जरा बताओ, किस किस टॉपिक पे बेस क्वेश्चन किए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन पे किए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन पे किए हैं, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में भी दोनों पे, डॉट पे और क्रॉस पे, दोनों पे किए ना, यस सर, यस सर। और किस पे किए हैं, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, एडिशन पे भी किए हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन पे भी किए हैं, और किस पे किए हैं, अरे मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल्स में किस पे, डिफरेंशिएशन पे, डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन आज हमने किए हैं इन चारों टॉपिक्स पे, कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी? नो सर, नो सर, ऑल क्लियर है। ओके देन चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑलरेडी 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गए आपका, हो गए ठीक है, ठीक है सर, यस सर, थैंक यू। मजा आया क्लास में, मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन करने में आज, हां सर, यस सर, ऐसे ही रखेंगे सेशन जिसमें सिर्फ क्वेश्चन हुआ करेंगे। Bye sir, thank you sir. Good night sir. Bye, welcome. Good night. Thank you sir. Bye. Good night. Welcome, bacho.